हे गाइस, बॉलीवुड गेम चेंजर्स पर हम लाए हैं 15 ऐसी आइकॉनिक फिल्में जिन्होंने बॉलीवुड का गेम चेंज कर दिया है। तो रेडी हो जाइए एज वी नाउ ब्रिंग टू यू द फिल्म दैट टुक द नेशन बाय स्टॉर्म, रमेश सिप्पीज शोले। शोले थी एक मेगा सुपरहिट फॉर्मूला फिल्म एंड वाज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। दिस वन हैड इट ऑल, द क्विंटेसेंशियल आइटम सॉन्ग, रोना धोना, एडवेंचर, कॉमेडी एंड ऑफ कोर्स सुपर डुपर एक्शन विद ढेर सारे कहानी में ट्विस्ट्स। और इन सभी मसालों का तड़का सलीम जावेद की महा टैलेंटेड राइटिंग टीम ने फिल्म में इस तरह से डाला कि इट इंस्पायर्ड अ होल न्यू जॉनर ऑफ बॉलीवुड फ्लिक्स कॉल्ड द करी वेस्टर्न्स, अ टेक ऑफ फ्रॉम हॉलीवुड्स स्पेगेटी वेस्टर्न। शोले ने प्रीटी मच सिंगल हैंडेडली किया लॉन्च द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द इंडस्ट्री वॉज नेवर द सेम अगेन। जैसे वक्त को बीसी और एडी में बांटा जाता है, बॉलीवुड में देर इज बिफोर शोले एंड आफ्टर शोले। अपनी रिलीज के बाद दिस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वेंट ऑन टू रन सक्सेसफुली फॉर 50 कंसेक्यूटिव वीक्स अक्रॉस इंडिया एंड सेलिब्रेटेड 60 जूमबास्टिक गोल्डन जुबलीज। As we all know, शोले ने किया ट्रांसफॉर्म बिग बी को फ्रॉम अ स्टार टू अ सुपर डुपर स्टार। लेकिन क्या आप जानते थे कि बच्चन को रेकमेंड किया धर्मपाजी ने? And believe it or not, गब्बर का रोल पहले ऑफर किया गया था तब के पॉपुलर बैड बॉय डेंजरस डैनी डेंगजोंगपा को। पर जैसा कि किस्मत को मंजूर था, डैनी अपनी फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग को निपटाने में कुछ ऐसे फंसे कि द रोल एंडेड अप बीइंग गिवन टू द वीकर कंटेंडर अमजद खान एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। बॉलीवुड का सबसे यादगार डकैत वाज बॉर्न। अपने इरा की ऑलमोस्ट सबसे लेविशली प्रोड्यूस्ड फिल्म शोले शूट के दौरान ही 3 लाख रुपए ओवर बजट हो चुकी थी, जो उस समय में काफी बड़ी रकम थी। यही नहीं, सिप्पी साहब ने कई सीन्स बार बार रीशूट किए बिकॉज ही वांटेड टू गिव इट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। पूरी फिल्म शूट होते होते तकरीबन 2.5 साल लग गए। एंड इफ यू थिंक दैट्स अ लॉट, गेट दिस, ये दोस्ती गाने की फिल्मिंग में 21 दिन लगे और वो एक्शन पैक ट्रेन रॉबरी सीक्वेंस, दैट वन टुक अ वोपिंग 7 वीक्स टू शूट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसी टाइमलेस मास्टरपीस बनाने का फॉर्मूला, द लव ऑफ सिनेमा प्लस खूब सारा पैशन और ढेर सारा टाइम। वैसे डिड यू नो कि रिसेंटली शोले के फिल्म मेकर रमेश सिप्पी को किया गया है नॉमिनेट फॉर द पद्म श्री अवार्ड एंड वी से ही टोटली डिजर्व्स इट। चाहे जिस तरह से भी देखो, प्लॉट, कास्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, एक्शन, म्यूजिक, लिरिक्स, शोले अपने वक्त से कहीं आगे की फिल्म थी। शायद यही वजह है कि शोले का क्रेज आज भी कुछ कम नहीं हुआ। कई सारी फिल्मों ने शोले के कैरेक्टर और डायलॉग्स को दोबारा इस्तेमाल किया है और तो और आज भी टीवी में इन कैरेक्टर्स के स्पूफ बनते ही रहते हैं। और आज भी दो दोस्तों को आपस में फैसला करना हो तो जय और वीरू की तरह सिक्का टॉस होता ही होता है। शोले ने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को किया है इन्फ्लुएंस इन मोर वेज देन वन। जय और वीरू के फैशन स्टेटमेंट्स हो या उनकी एवरलास्टिंग दोस्ती, गब्बर की साइकोटिक सिनिस्टर हंसी हो या बसंती का डायलॉग का अंदाज, या फिर हो धर्मपाजी का प्रपोज करने का सुसाइडल स्टाइल, दिस वन फिल्म हैज सेट सो मेनी ट्रेंड्स कि अगर आप काउंट करने बैठें तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। शोले हमेशा थी, है और रहेगी वन ऑफ बी टाउन्स मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स एंड वी ऑल एग्री दैट इट ट्रूली इज अ बॉलीवुड Game changer.